नमस्कार, रेयर कलेक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपके पास भी माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं, चाहे वो 5 रुपए के सिक्के हो, 10 रुपए के हो या 25 रुपए के सिक्के हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसे सेल कर सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब पे आपको हज़ारों ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ पर आपको इस सिक्कों की कीमत तो बता दी जाती है कि ये सिक्के 1 लाख या 2 लाख के या 50 हज़ार रुपये के, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि ये सिक्का सेल कहाँ पे होगा और कौन इसे खरीद रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सेल कहाँ पे होगा और कैसे आप सेल कर सकते हैं। जी हाँ, ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आएगा बेल का आइकन, इस पर क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या हुआ कि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और यह बिल्कुल फ्री है। साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक से मुझे ये लगता है कि हाँ, आप लोगों के नोट और सिक्कों से रिलेटेड वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और आप लोग इंटरेस्टेड है अपने नोट और सिक्के, जो भी पुराने नोट या सिक्का आप कलेक्शन करके रखें, उसको सेल करने में। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, तीसरा स्टेप में आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपके पास 5 रुपए के, 10 रुपए के या 25 रुपए वाले कौन से माता वैष्णो देवी के सिक्के हैं और साथ ही कितने हैं, क्योंकि इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि आप लोगों के पास कितने सिक्के हैं। क्योंकि कई बार हमें कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं, ऐसी कंपनी होती है जो हमसे कॉन्टैक्ट करती है कि आप मुझे इतने सिक्कों की ज़रूरत है। तो आप लोग अगर कमेंट किए रहेंगे तो मुझे ये पता रहेगा कि हमारे चैनल पे इतने लोग हैं जिनके पास लगभग इतने सिक्के हो जाएंगे, तो मैं उस कंपनी को ये कह सकता हूँ कि मैं आपको 10 दिन या 15 दिनों के अंदर इतना सिक्का खरीद कर दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, अगर बात करें माता वैष्णो देवी वाले सिक्के की, तो ये सिक्के अलग अलग वैल्यू के जारी हुए थे, जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये। तो 5 रुपये और 10 रुपये वाले जो सिक्के, ये कॉमन सर्कुलेशन में जारी हुए थे, और 25 रुपये वाला जो सिक्का है ये यूएनसी सेट के साथ जारी हुआ था। यूएनसी सेट ये होता है जो कि कॉमन सर्कुलेशन में लेन देन के लिए यूज नहीं होता है, उसे आप खरीद कर सिर्फ रख सकते हैं। तो 25 रुपये वाले सिक्के के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करते हैं 5 रुपये और 10 रुपये वाले सिक्के के बारे में। तो जो माता वैष्णो देवी वाले के 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के, इस सिक्के के पीछे में आपको माता वैष्णो देवी की आकृति मिल जाती है, जो कि श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है जो उसको चलाता है, उसके 25 वर्ष होने पे जारी किया गया था। जी हाँ, लेकिन ये सिक्का विवादों में आने के कारण इस सिक्के को बंद किया गया, क्योंकि जैसा कि हम लोगों के पास जो सिक्का होता है उसे हम जेब में रखते हैं, या कई बार सिक्के नीचे भी रख दिए जाते हैं, और कई बार ऐसे अशुद्ध जगह पे भी सिक्के गिरते हैं जहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सिक्कों पे भगवान की आकृति होना कुछ लोगों को बुरा लगा, तो इसीलिए उस सिक्के को बंद करवा दिया गया। आज के समय में वो सिक्का इतना ज़्यादा कीमती हो चुका है कि हर कोई वो सिक्का खरीदना चाहता है। कारण इसका ये है कि उस सिक्के के पीछे जो माता वैष्णो देवी की आकृति बनी है, उसे लोग पूजा स्थल पर रखकर पूजा करते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो लोग इन सिक्कों को खरीदते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग हुए जिनके पास ज़्यादा पैसे थे, तो उन्होंने भगवान के कई सारे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। उस तरह से जिनके पास कम पैसे होते वो भी चाहता है कि हाँ, वो भी कुछ ऐसा करे जो कि उनको अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो लोग सिक्के को खरीदते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्टली ट्रेडर को कॉन्टैक्ट करके सिक्के सेल करना चाहते हैं या कलेक्टर को, ये आपके ऊपर है। अगर आप डायरेक्ट कलेक्टर को सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा कीमत मिलेगी, क्योंकि जो कलेक्शन पर्पस के लिए लेते हैं वो लोग आपको ज़्यादा कीमत देंगे, और जो ट्रेडर होते हैं जो कि ट्रेडिंग करने के लिए लेते हैं, यानी खरीदने के बाद उसे बेचना है, फिर तो जाहिर सी बात है वो आपको उससे कम कीमत देगा। तो अगर आप डायरेक्ट कलेक्टर के हाथों बेचना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं और उनको सिक्कों की ज़रूरत होती है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और वहाँ से आप अपना सिक्का सेल कर लीजिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और भी बताता हूँ कि ये सिक्के काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कि किसी ने आपको कॉन्टैक्ट किया और आपको एड्रेस दिया और आप उस एड्रेस पर अपने सिक्के को भेज दें। जी हाँ, मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया था पहले वीडियो में कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जब आप भेजते हैं तो उसको कैश ऑन डिलीवरी करके भेजें, यानी कि जब पोस्टमैन को वो व्यक्ति पैसा देगा तभी पोस्टमैन आपका जो सिक्का है वो उस व्यक्ति को देगा। तो इस तरह से आप अपना सिक्का भेजेंगे। दूसरा जो आता है ट्रेडर, तो देखिए ट्रेडर से आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ट्रेडर
से कांटेक्ट करने के फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ट्रेडर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडर से अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपका सिक्का जल्दी सेल हो जाएगा और थोड़ी कम कीमत में सेल होगा, क्योंकि ट्रेडर जो है उतनी ज़्यादा कीमत नहीं देते। लेकिन हाँ, जो भी सिक्के आपके पास होंगे वो खरीद लिया जाएगा, चाहे 5 सिक्के हो, 10 सिक्के हो या 20 सिक्के हो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कितने सिक्के हैं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।